يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام انسانوں کا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، اور پھر مردوں کو پیدا کر کے عورتوں سے ان کی تمیز کے لیے ان کے چہرے پر داڑھی کے یہ بال سجائے، مردوں کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ اور عورتوں کو حسن دیا ان کے سر کے بالوں کے ساتھ، چٹیا کے بالوں کے ساتھ، اور یہ داڑھی جو انسان کے چہرے پر، مرد کے چہرے پر اگتی ہے، یہ مومن کا تاج ہے، یہ مردوں کی زینت ہے، یہ مردانگی کا تعارف ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناآشنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کے پاس سوال آتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اکثر آپ نے سوال سنے ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی سوال نہیں سنا ہوگا کسی نے سوال کیا ہو مولوی صاحب بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو عمامے کی ہے، پگڑی سنت ہے، اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے چھکو بنا کے رکھ دیے، لیکن جو انبیاء کی سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس سے ہم بالکل نابلد ہیں، نا آشنا ہیں،
बल्कि माशरे के अंदर अजीब और गरीब बातें इसके बारे में मशहूर हैं। किसी को आप दाढ़ी रखने की तालीम दें, तबलीग करें, समझाएं, तो वो जवाब में क्या कहता है, अजी दाढ़ी में इस्लाम है। कैसी बातें करते हो, क्या फजूल सख्ती कर रखी है आपने, क्या दाढ़ी में इस्लाम है। और ये शैतान का इतना बड़ा बहकावा है, अगर इसको मान लिया जाए तो हमसे तमाम चीजें इस्लाम की रवाना हो जाएंगी, क्योंकि पूरे इस्लाम में है इस्लाम है, इस्लाम की किसी एक चीज में इस्लाम नहीं है। अगर दाढ़ी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि दाढ़ी में कोई इस्लाम है, छोड़ो दाढ़ी को, रख लो ठीक है, ना रखो तब भी ठीक है, रख लो सवाब है, ना रखो गुनाह कोई नहीं, तो वो कौन सी चीज है जिसमें इस्लाम हो। क्या नमाज में इस्लाम है? सिर्फ नमाज में इस्लाम तो नहीं ना, इस्लाम में नमाज है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। तो इसका मतलब है दाढ़ी रखना छोड़ दें तो फिर नमाज को भी छोड़ दें। कोई आपसे कहे जी क्या रोजों में इस्लाम है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि सिर्फ रोजों में इस्लाम है, तो रोजे भी गए। सिर्फ हज में इस्लाम है, तो कोई नहीं मानेगा कि खालिस सिर्फ हज की इबादत ही पूरा इस्लाम है, वो भी गई। तो इस तरह शैतान के बहकावे से एक एक अमल हमारे हाथों से रुखसत होता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं रख लो सवाब है, ना रखो गुनाह कोई नहीं, सुन्नत है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं, बल्कि मामला इससे ज्यादा बढ़ गया। ये हमारे हाथ के अंदर रसाइल और मसाइल किताब है सैयद मौदूदी साहब की, इस किताब के सफा 190 पर ये हजरत दाढ़ी के बारे में बड़ी अजीब और गरीब गुफ्तगू करते हैं, आप भी सुनिए। 189 पे कहते हैं दाढ़ी के मुतालिक, ये गुजारिश है कि मैं अपने अमल से इस जहनीयत को गजा देना पसंद नहीं करता जिसने बिदअत को ऐन सुन्नत बना देने तक नौबत पहुंचा दी। मेरे नजदीक किसी गैर मंसूस चीज को मंसूस की तरह करार देना, किसी गैर मसनून चीज को जो इस तरह शरई के लिहाज से सुन्नत ना हो सुन्नत करार देना तहरीफ है, खतरनाक बिदअतों में से है। जो बिदअतें मालूम और मारूफ बिदअतों की नस्बत ज्यादा तहरीफ है दीन की मौजिब है। इसी तरह यह दाढ़ी का मामला है, लोगों ने गैर मंसूस मकदार को ऐसी हैसियत दे दी और इस पर ऐसा इसरार करने लगे जैसे कोई मंसूस चीज पर होना चाहिए। फिर इससे ज्यादा खतरनाक गलती यह करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को बैने ही वो सुन्नत करार देते हैं जिसके कायम और जारी करने के लिए आप मबूस हुए। यानी ये दाढ़ी का मामला सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, सुन्नत नहीं है। और तमाम इंसानों से यह मुतालबा करना कि वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आदात को इख्तियार करें, अल्लाह और उसके रसूल का हरगिज मंशा ये ना था, बल्कि ये तहरीफ दीन जो दीन में की जा रही है, अगर मैं इसके आगे रुकावट ना खड़ी करूं और जिस वदाकता में लोग मुझे देखना चाहते हैं इसमें अपने आप को ढाल लूं, तो मैं एक ऐसे जुर्म का मुर्तकिब होऊंगा जिसके लिए अल्लाह के यहां मुझसे सख्त सवाल जवाब होगा और इस सवाल जवाब में मेरी कोई मदद करने नहीं आएगा। ये दाढ़ी अल्लाह के नबी की आदत है, इबादत नहीं, सुन्नत नहीं, बकौल सैयद साहब के। और अगर लोग चाहते हैं मैं लंबी दाढ़ी रखूं, अगर ये कर लूं तो फिर मैं एक बहुत बड़ी बिदअत कर रहा हूं, मैं दीन में तहरीफ कर रहा हूं। इस तरह की मुख्तलिफ बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के बारे में मशहूर है। कोई कहता है लंबी दाढ़ी रखना बिदअत है, कोई कहता है रख लो ठीक है, ना रखो तब भी ठीक है, कोई कहता है छोटी छोटी रख लो। छोटी छोटी रखने के ना कई फायदे हैं, मौलवियों का दरस हुआ वहां भी जाके बैठ गया, फिल्म देखनी पड़ी तो वहां भी बैठ गया, दोनों घर राजी, राजी रहा रहमान, नाराज ना हुआ शैतान, ठीक है। तो कोई कहता है इतनी रख लो, कोई कहता है रखो ना रखो कोई मसला ही नहीं है, रखोगे सवाब हो जाएगा, ना रखोगे कोई गुनाह नहीं। तो आइए हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ी के बारे में, मर्द की जीनत के बारे में, मोमिन के इस्ताज के बारे में सवाल करते हैं कि आखिर कुरान और हदीस हमें क्या तालीम देती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए और याद रखिए कि दाढ़ी रखना ये फितरत सलीम है, ये फितरत इलाहिया है जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें पैदा किया, ये सलीम फितरत का तकाजा है। और मालिक कहता है फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्ला ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह की फितरत वो है जिस पे उसने लोगों को पैदा किया, चुनाचे अल्लाह की बनावट को कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह की तखलीक को अल्लाह ने जिस तरह इंसानों को पैदा किया इस बनावट में कोई तब्दीली नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सही मुस्लिम में है
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہے عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. فطرت کی 10 چیزیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کی 10 چیزیں ہیں, ان 10 چیزوں میں سے ایک مونچھوں کا کاٹنا اور داڑھی کو معاف کرنا. فطرت سے مراد وہ حالت ہے, وہ حیثیت ہے جس پر خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی طبیعت میں اس کو بجا لانا, اس کی طرف مائل ہونا رکھا اللہ نے, اس کی فطرت میں اس بات کو رکھا. اسی طرح داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نشانی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو مومن کے لیے پھر یہ لائق نہیں ہوتا کہ وہ مومن اس کے بارے میں کہے. قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنا دیا جائے پھر ان کے لیے اختیار نہیں بچتا. کہ بات تو ٹھیک ہے, قرآن کی آیت یوں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے, بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال یہ ہے, میری مرضی یہ ہے, میری سوچ یہ ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر مومن مرد اور عورت کے لیے اپنے فیصلے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, شریعت اس کو یہ اختیار نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, داڑھیوں کو معاف کرو. اوفو, ایک حدیث میں اوفو کے لفظ ہیں, اس کو معاف کر دو. وفیرو ای کثیرو, اس کو بڑھاؤ, اس کو زیادہ کرو, اس کو گھنی کرو. اور یہ حکم اللہ کے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ دیے ہیں, اور جب صیغہ امر آتا ہے تو وہ حکم واجب قرار پاتا ہے. یہاں وہ ذہن کھول لیں جو کہتے ہیں رکھ لو ٹھیک ہے, داڑھی نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وفیرو, اس کو بڑھاؤ, اس کو زیادہ کرو. اوفو, معاف کرو. اوفو, اپنی داڑھیوں کو معاف کرو, ان کو لٹکاؤ, ان کو چھوڑ دو, ان کو معاف کر دو, ان کو ان کے حال پہ رہنے دو. یہ مختلف صیغے حدیث کے اندر موجود ہیں. اسی طرح داڑھی رکھنا انبیاء علیہم السلام کی نشانی ہے. قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے ہارون علیہ السلام نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو ان کی داڑھی کتنی بڑی ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی, کتنی بڑی ہوگی. اب خشخشی داڑھیاں رکھی ہوئی ہوں چھوٹی چھوٹی تو کسی کے ہاتھ میں آئے گی؟ سوچ لیں. کہہ رہے ہیں نہ میری داڑھی کے بالوں سے پکڑ نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ, اس کا مطلب ہے ان کی داڑھی اتنی تھی جو ہاتھ میں آئی. یہ انبیاء کی نشانی ہے, ہارون علیہ السلام کی داڑھی, موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی. اور یہ داڑھی اتنی کہ جو ان کی چھاتیوں کو ڈھانپتی تھی, بڑی تھی جو ہاتھ میں آتی تھی. ہمارے طرح نہیں کہ بس جس طرح چینی شربت کہیں گرا ہوا ہو اور کالی کیڑیاں وہاں اکٹھی ہو جائیں کافی ساری, بس دو چار دن کی شیو چھوڑ دو گزارا چل جائے گا, دونوں محفلیں راضی رہیں گی, مولویوں کو بھی مل لیا کریں گے اور دوسرے ٹبر کے پاس بھی سلام دعا کرایا کریں گے. داڑھی رکھنا اسی طرح سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترمذی میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ موجود ہے احادیث میں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھرتی تھی. آپ کی داڑھی کتنی تھی؟ اور جی مٹھ رکھنا کافی ہوتی ہے, کئیوں سے سنا ہوگا نا آپ نے, بھائی ایک مٹھ کافی ہے. اور مٹھ کے بعد وہ بڑا ہر جمعرات کو سیٹنگ سوٹنگ کرنے کے لیے نا پورا یہاں سے لے کے اور جو بڑا ہوا یہاں سے کاٹ دیا, اور جنہوں نے تھوڑی سی اور کاٹنی ہوتی وہ مٹھ یہاں سے لینے کی بجائے یہاں سے لے دیتے ہیں. مٹھ میں پورا چہرہ لیا اور نیچے سے کاٹ لیا, بھائی ایک مٹھ کافی ہے. اور ترمذی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی, گھنی تھی اور آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی. اسی طرح داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے, اہل ایمان کا طریقہ کار ہے. ابن ماجہ میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ کی سنت, میرے خلفاء کی سنت, ان کو پکڑ کے رکھو, میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کے بارے میں کہ وہ گھنی داڑھی والے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ داڑھی والے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی داڑھی والے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کے سینے کو ڈھانپتی تھی.
ये अहदीस रसूल है, ये सहाबा कराम का फेल और अमल है। जाइए इन हदीसों को अपने घरों में सुनाइए, अपनी बीवियों को सुनाइए, अपने घर वालों को सुनाइए, अपनी औरतों को सुनाइए। खास तौर पे अल्लाह के नबी की ये हदीसें वो नौजवान गौर से सुने जो कभी बीवी के पीछे लग के दाढ़ी शेव कर देते हैं, कभी मंगेतर के कहने पर शेव कर देते हैं, कभी अम्मी के ड्रामे पे ही कर देते हैं। तू पुत्र दाढ़ी रख ली, तेरे मामे ने ती नहीं होने देनी। जहां तेरा रिश्ता किया था वो मौलवी से रिश्ता नहीं करेंगे। वो कहते हैं बिल्कुल चिकना हो, हमारी बेटी खड़ी हो और हमारा दामाद खड़ा हो तो फर्क करना मुश्किल हो दोनों में से, ही कौन है और शी कौन है और बिटवीन कौन है। बिल्कुल हर चीज साफ सुथरा। अभी तो वल्ला मैं देखता हूं आजकल के माशरे के नौजवानों को लंबे लंबे बाल, और बालों पर पोनी पहले सिर्फ औरतें बांधा करती थी, अब मर्दों के बालों पर भी पोनी आ गई। अपनी आंखों से देखा है माशरे में। लाहौर के अंदर एक मार्केट में मैं शॉपिंग करने के लिए गया, पेंट शर्ट के अंदर एक जिस्म मेरे सामने आया, चेहरा उसका उस तरफ था, बैक साइड मेरी तरफ थी और लंबी सारी उसने चुटियां की हुई, लेकिन उसकी जिसामत से मुझे वो कतई लड़की नहीं लगी। मैंने इसके आगे से देखा तो आगे उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और पीछे लंबी सारी चुटियां। जो काम मर्दों का था अब मर्द कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई पहचाने ना, ये बंदे का पुत्र है, बस यही लगे कि दूसरी बिरादरी का। और लड़कियों का जो काम था, रसूलुल्लाह सल्लम ने मर्दों से क्या कहा, मर्द अपने टखने नंगे रखे, अपने कपड़े टखनों से बुलंद रखे, जिस मर्द का कपड़ा उसके टखने से नीचे है ये आग में है, ये आग में है। अब आप मर्दों को देख लो, उनकी पैंटे, उनकी शलवारें, उनकी तहमदें, उनकी सोब आप देख लो कहां होगी, मर्दों की एड़ी तक होगी। और गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर जाओ, स्कूल से छुट्टी, कॉलेज से लड़कियां बाहर निकले, उनके कपड़े उनकी पिंडली तक होंगे। जो मर्दों को हुक्म था वो औरतें कर रही हैं, और जो औरतों को हुक्म था वो मर्द कर रहे हैं। पूरा माशरा अल्लाह ही जाने किस तरफ दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। दाढ़ी रखना मर्द के लिए जेब और जीनत का बायस है, ये मर्द की खूबसूरती है। और मर्द इतना भोला है, बेगम की बातों में इतनी जल्दी आता है, बेगम फोन करती है, जनाब हैंड एंड शोल्डर जेड़ा जो है ना वो इंपोर्टेड सऊदीया से आते हुए लेके आना, मेरे बालों में बड़ी खुश्की है, उसे देसी ला दो ना, कोई लाइव बॉय शैम्पू या इस तरह का कोई और ला दो। कहती सऊदीया से आ रहे हो और ये शैम्पू ला रहे हो, ये तो पाकिस्तान में बहुत मिल जाते हैं, आप वहां से कोई मेडिकेटेड लेकर आओ, कोई बड़ा अच्छा ओरिजिनल किस्म का अमरीका का बना हुआ, जापान का बना हुआ लेकर आओ, जो अल्लाह ने उसको जीनत दी है उसके बारे में वो आपसे शैम्पू मंगवाती है, हैं जी जड़ी बूटियों का तेल मंगवाती है और पता नहीं क्या कुछ आमले सीका काई वो स्टॉक लगाया हुआ है अपने बालों के लिए। और जो जीनत मर्द की है, जो खूबसूरती मर्द की है, जो मर्द की जो मर्दानगी को जाहिर करती है, कभी मौलवी नाल गुजारा नहीं होता, एनू वढ़ दे एनू या मुझे रख लो या इसको रख लो। हमारे शेख बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उन्होंने अपनी किताब इस्लाम में दाढ़ी का मकाम, उसमें शेख अब्दुर्रहमान दमिश्की का एक वाक्य बयान किया। इब्ने बतूता के सफरनामे में, उसने अपने सफरनामे में ये वाक्य लिखा कि ये बहुत बड़े आलिम थे शेख अब्दुर्रहमान, इन पे एक औरत फरिश्ता हो गई और दम करने के बहाने अपने घर बुलाया। जब ये दम करने के लिए पहुंचे तो उसने इनको गुनाह की दावत दी, उसने बड़ा समझाया बुझाया, हदीसें सुनाई, वो ना मानी तो कहने लगा अच्छा मुझे जरा बाथरूम में कवाए हाजत के लिए जाने दो, उसके बाद जो कहोगी मैं कर लूंगा। ये बहाने से बाथरूम में आए और आकर अपनी सारी दाढ़ी को शेव करके बाहर निकले। शेव करके दाढ़ी के जब बाहर आए, उस औरत को इस दाढ़ी मुंडे का मुंह देकर इतनी कराहत हुई कि उसने वो सारा जो उसके जहन में खिचड़ी पकी हुई थी खत्म होगी और उसको कहा दफा हो जा बांध लिया, मुझे तेरे चेहरे से नफरत है। तो ये दाढ़ी मर्द की जीनत है, ये मर्द का हुसन है, ये मर्द की तकरीम है, ये मर्द के हुसन में इजाफा है। क्या ख्याल है, क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई और हसीन है? अपने दिल से पूछिए, मेरी बातों पे ना जाइए, क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई और हसीन है? सारी कायनात में सबसे बढ़कर खूबसूरत कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी शेव करके हसीन थे या दाढ़ी रखकर हसीन थे? सोचिए, अल्लाह के नबी अगर कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, आपसे प्यारा ना कोई पैदा हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। अगर अल्लाह के नबी से हसीन कोई नहीं तो फैसला अपनी अकल से कीजिए। अल्लाह के नबी हसीन थे, सीना मुबारक दाढ़ी से भरा हुआ था, ये शेव थी,
अगर अल्लाह के नबी दाढ़ी रखकर हसीन थे तो इसका माना यह हुआ कि हुसन दाढ़ी के रखने में है, शेव करने में नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लम की दाढ़ी थी? सवाल पैदा होता है। सही बुखारी में हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और सर के बालों में 20 से ज्यादा सफेद नहीं थे। क्या हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लम की अपनी दाढ़ी मुबारक थी? अम्मार बिन यासर उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लम वजू करते तो दाढ़ी का खिलाल करते, एक चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी का खिलाल करते। इस हदीस से भी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। तिर्मिज़ी में हजरत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर तेल लगाते और दाढ़ी में कंघी किया करते थे। हजरत अली फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा। सुनना जरा हदीस को, गौर करना, खास तौर पे वो प्यारे भाई जो अपना चेहरा मोहम्मदी बनते बनाते हुए बड़ा कतराते हैं और यहूदो नसारा जैसा मुंह बनाकर बड़ा खुश होते हैं जब कहीं फंक्शन पे जाना, मीटिंग पे जाना, शेव करके शीशा सामने रख के कहते हाँ स्वाद आया ना, हुण गल बनी, क्रीम श्रीम लगा के बिल्कुल सेट सुट करके ना फिर शीशा देखते हैं क्योंकि तो बाल रह के नहीं गया और फिर कहते हैं काम हो गया, अब ठीक हुआ। ठीक है, अल्लाह के नबी के सहाबी का जरा फरमान सुनिए। अली फरमाते हैं मैं यमन में गया, अल्लाह के नबी ने भेजा, एक दिन मैं लोगों को नसीहत कर रहा था, एक यहूदी हाथ में अपनी किताब लेकर आया और कहने लगा अबुल कासिम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करो। मैंने, अली कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करना शुरू किया कि रसूलुल्लाह ना तो पस्त कद के थे, छोटे कद के थे और ना ही बहुत लंबे कद के थे, बल्कि आपका कद दरमियाना था। जब हजरत अली खामोश हुए तो यहूदी बोला जब हजरत अली खामोश हुए तो यहूदी बोला और कहने लगा आपकी आंखों में सुर्खी, आपकी आंखों में सुर्खी थी और दाढ़ी खूब रू थी, कान मुतनासिब थे, इतना प्यारा आपका चेहरा था, इतना प्यारा आपका वजूद था। हजरत अली यहूदी की बात सुनकर कहते हैं अल्लाह की कसम अगर तू मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख भी ले तो इससे बेहतर तू उनका हुलिया बयान नहीं कर सकता। यहूदी मान रहा है, अपनी किताब से पढ़कर बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आपकी दाढ़ी से भरा हुआ था। जाबिर बिन समरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल बहुत ज्यादा थे। हजरत अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी दाढ़ी थी। सही जामे में यह रिवायत है। हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी बहुत घनी थी। तिर्मिज़ी में यह रिवायत है। अली फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बड़ी भारी थी। मुस्नद अहमद में यह रिवायत है। मानने वाले के लिए तो एक हदीस काफी है ना, लेकिन आइए मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस सुनाऊं। अभी ना हदीस से साबित क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी वाले थे और दाढ़ी को शेव नहीं करते थे। आपकी दाढ़ी आपके चेहरे मुबारक को पर सजी हुई, आपके सीने मुबारक को ढांपती थी। ये तो अल्लाह के नबी की का फेल, ये आपका अमल। अब आइए अल्लाह के नबी का हुक्म सुने। सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन वफ़िरुल लुहा वहफुश शवारिब। अल्लाह के नबी का हुक्म याद कर लीजिए अहले ईमान, जब अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम का हुक्म सुनते थे उनकी गर्दनें झुक जाया करती थी। और जब तक इंसान का ईमान यह रहे कि अल्लाह के नबी का हुक्म आना और मैंने उस पर अमल करना, उसकी तामील करनी, तो फिर ये अहले ईमान अल्लाह के यहां बड़े अजीम मकाम को पहुंचते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं एक मरतबा हुक्मन नहीं मशवरातन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ही बेहतर होता हम मस्जिद नबवी का यह दरवाजा अगर औरतों के लिए खास कर देते। इब्ने उमर फरमाते हैं अल्लाह की कसम मरते दम तक मैं उस दरवाजे से दोबारा कभी दाखिल नहीं हुआ। हुक्म नहीं था, मशवरा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी की उंगली में सोने की अंगूठी देखी, आपके चेहरे पर नागवारी के आसार आए, उसने उतार कर फेंक दी। प्यारे हबीब का गुस्सा ठंडा हुआ, बाकी सहाबा ने मशवरा दिया उस सहाबी को कि ये सोने की अंगूठी उठा लो, तुम्हारी बीवी माँ बच्ची औरतों के लिए तो हलाल है। कहा अल्लाह की कसम मैं उस चीज को कभी अपने घर में नहीं लेकर जाऊंगा जिस चीज की वजह से मोहम्मद करीम नाराज हुए। ये सहाबा का ईमान था, ये सहाबा का अमल था, ये उनकी जिंदगी थी, ये उनका उस्वा हसना था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर नागवारी के आसार को देखकर अपने अमल को छोड़ दिया करते थे।
और जहां हुक्म आ जाए। आइए मैं आपको हुक्म सुनाता हूं, सही बुखारी में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुशरकीन की मुखालिफत करो, अपनी दाढ़ियों को माफ करो, अपनी मूंछों को पस्त करो। मुशरकीन दाढ़ियों को काटते हैं, मूंछें बड़ी बड़ी रखते हैं। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम उनकी मुखालफत करो, तुम मूंछों को छोटा करो, मूंछों को काटो और अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो। सही बुखारी में है इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मूंछों को अच्छी तरह काटो और दाढ़ियों को माफ करो। माफ करने से मुराद क्या है? एक मुश्त के बाद काट दो, यहां से गाल छीन लो, नीचे से हड्डी तक बिल्कुल साफ कर लो, खत बना लो। मौल साहब मैंने दाढ़ी रख ली है इसलिए मैं यहां से भी साफ करता हूं, नीचे भी साफ करता हूं, खत बनाता हूं। ये खत कहां से आ गया? ये गालों को छीलना किस हदीस से साबित हो गया? मैं मिसाल देता हूं आपसे, आप गलती कर लें किसी भाई के साथ और फिर उससे जाकर माफी मांगे कि भाई साहब गलती होगी माफ कर दो, वो आपके मुंह पे जोर से थप्पड़ मार करके जा तेनू माफ किया, तो क्या माफी कबूल कर लोगे? कहोगे चंडते मार ली माफी नहीं हुई। माफ करना होता तो मुझे उंगली ना लगाता, कहता जा माफ किया। दूसरी मिसाल समझो, रमजान में लैलतुल कदर की तलाश करते हुए हजरत आयशा पूछती है अल्लाह के नबी क्या दुआ मांगू? आपने फरमाया अगर तू रात को पाए तो दुआ मांग अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफु अन्ना, और एक रिवायत में फाफु अन्नी के लफ्ज है, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। आप भी ये दुआ करते हो, मैं भी ये दुआ करता हूं, तो क्या ख्याल है जब हम ये सवाल करते हैं अल्लाह तू हमें माफ कर दे तो हमारे दिल में क्या इरादा होता है? बोलो अल्लाह 50 साल उम्र है, 40 साल दे गुनाह माफ कर दे, 10 साल दे स्टॉक अकाउंट च बाकी रखी, यही इरादा है कि आधी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाए आधी के बाकी रह जाए? या ये मतलब होता है कि अल्लाह हज करने आया हूं, अल्लाह रोजा इफ्तार कर रहा हूं, अल्लाह दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दे, यही मतलब है? माफी का मतलब यही है ना कि बिल्कुल माफ कर दे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो, तो क्या मतलब है? जैसे सफेदी करने वाले या रंग करने वाला छोटा सा ब्रश होता है वैसे रख लो है, या एक मुठ के बाद काट लो, या छोटी छोटी खसखसी दाढ़ियां रख लो, नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको माफ कर दो, तो फिर इनको छोड़ दो, इनके हाल पर रहने दो, इनको बढ़ाओ, इनको माफ करने से मुराद फिर इनको काटना नहीं है। सही मुस्लिम में है इब्ने उमर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करो, मूंछों को काटो, औफुल लिहा, दाढ़ियों को माफ करो, अपनी मूंछों को काटो और अपनी दाढ़ियों को माफ करो, और ये अमल करके अहले शिर्क की मुखालफत करो, मुशरकीन की मुखालफत करो। वो मूंछों को बड़ा बड़ा रखते हैं, आपने देखा होगा लंबी लंबी मूंछों वाली दुनिया, 6-4 की मूंछें मुंह में जा रही हैं, पानी पीते हुए गंद उसके अंदर जा रहा है, जरासीम उसके अंदर जा रहे हैं, शक्ल देख के इंसान की शक्ल लगती नहीं है, और बिल्कुल साफ की भी। और हमारे यहां तो बल्कि पाकिस्तान में कई मरतबा अखबारों में पढ़ा मूछों के जरिए मुकाबला होता है, मूछों के जरिए 1 किलो वजन उठाया, मूछों के जरिए साइकिल चला दी, मूछों के जरिए ये कर लिया, और मुकाबलों में सबसे बड़ी मूछ वाले को इनाम मिलता। हालांकि रसूलुल्लाह की तालीम क्या है? मुशरकीन की मुखालफत करो, वो मूछे बड़ी बड़ी रखते थे, तुम मूछों को काटो और अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो। अबू हुरैरा से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले शिर्क मूछों को माफ करते थे, और यहफून लिहाहुम फखालिफूहुम फाफुल लिहा वाफुल शवारिब, अहले शिर्क दाढ़ियों को शेव करते, मूछों को माफ करते, तुम उनकी मुखालफत करके मूछों को काटो और अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो। सही मुस्लिम में है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा रिवायत फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जज़्ज़ुश शवारिबा व अरखुल लिहा खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालफत करो, कैसे? मूछों को काटो और दाढ़ियों को ढील दे दो। ढील देने का क्या मतलब है? ढील दे दो, लटका दो, छोड़ दो, माफ कर दो, क्या मतलब है इस सब का? ये फैसला आपका दिल करेगा। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहदीस आपके कानों से, आपके पर्दे समाज से टकरा रहे हैं, किस लिए? सबसे पहले अपना जिम्मा अल्लाह के यहां बरी करने के लिए कि अल्लाह हमने इस हकीकत को वाजे कर दिया था, दूसरा ताकि आप क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हुज्जत पेश ना कर सके।
रब्बा किसे मौलवी किया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ये हदीस मिली नहीं, एक हदीस नहीं, लातादाद हदीसें आपके कान से टकराई है। दाढ़ियों को माफ करो, दाढ़ियों को लटकाओ, दाढ़ियों को ढील दो, दाढ़ियों को छोड़ दो, मुशरिकीन की मुखालफत करो, मजूसियों की मुखालफत करो, मजूसी दाढ़ी शेव करते थे, तुम दाढ़ियों को माफ कर दो। मुस्नद अहमद में है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वर्दा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियों को माफ करो, मूंछों को पकड़ो यानी काटो, और अपने बुढ़ापे को बदलो यानी सफेद बालों को मेहंदी का रंग लगाओ, और यहूदो नसारा की मुशाबेहत ना करो। मुस्नद अहमद में रिवायत है, यहूदो नसारा की मुखालफत करो, बाल सफेद हो जाए तो दाढ़ी से, दाढ़ी को मेहंदी के रंग से रंग लो, काले रंग से बचो। जो अपने सर के बाल हो या दाढ़ी के बाल हो, अपने आप को जवान बनाने के लिए समझता है कि हजे खैर सल्ला अभी टाइम नहीं मेरा आया, वो अपनी सफेद बालों को काला करता है, जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाता है। सही मुस्लिम में रिवायत है, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता अपने बालों को काला स्याह करने वाला, दूसरे रंग से रंगो, काले रंग से बचो। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, जा मजूसी इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अहफा शारिबहु व अहफा लिहयतहु। एक मजूसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिसने अपनी मूछे बड़ी बड़ी रखी हुई और अपनी दाढ़ी को शेव किया हुआ, मूछे बड़ी, दाढ़ी गायब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या कह रहे हैं, फकाल मन अमरक बिहाजा। अल्लाह के नबी उस मजूसी से पूछते हैं, तुझे मूछे बड़ी रखने और दाढ़ी शेव करने का हुक्म किसने दिया, मन अमरक बिहाजा, ये हुक्म तुझे देने वाला कौन है। काल रब्बी, उसने कहा मेरा बादशाह किसरा, मेरा रब, उसने मुझे ऑर्डर दिया है मैं मूछे बड़ी रखूं, दाढ़ी को शेव करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, ये कहने वाले भाई रख लो खैर सल्ला है, ना रखो तब भी खैर सल्ला है, रख लोगे सवाब मिलेगा, ना रखोगे गुनाह कोई नहीं। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, फरमाते हैं काल लेकिन रब्बी अमरनी अन अहफा शारिबी व अहफा लिहयती, लेकिन सुन मेरे अल्लाह ने तो मुझे यह हुक्म दिया है मैं अपनी मूछों को पस्त करूं और अपनी दाढ़ी को माफ कर दूं। मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये मालिक का हुक्म है, तुम्हारे रब का हुक्म है, मोहम्मद के रब का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दाढ़ी को माफ कर दूं और अपनी मूछों को पस्त करूं। यमन के शहजादे ने शाह ईरान किसरा के हुक्म से दो फौजियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما واعفى شواربهما فكره النظر اليهما ثم اقبل عليهما فقال ويلكما من امركما بهذا قالا امرنا بهذا ربنا يعني ان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي قد امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए दो फौजी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनकी बड़ी बड़ी मूछे, दाढ़ी उन्होंने मूंडी हुई, मूछे बड़ी बड़ी रखी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराहत की के उनके चेहरे की तरफ देखे। हदीस पे गौर करना, वो चेहरा जिस पे बड़ी बड़ी मूछे हैं और दाढ़ी शेव हो चुकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चेहरे की तरफ देखना पसंद ही नहीं करते। क्या बनेगा तुम्हारा, ए अहले ईमान, ए मोहम्मद से मोहब्बत के दावेदारों, हशर का मैदान होगा, नबी हौज़े कौसर पे होंगे, आदम से लेके ईसा तक सारे अंबिया इंसानों की बात और सिफारिश सुनने के लिए, सिफारिश करने के लिए तैयार ना होंगे, सिर्फ मोहम्मद करीम शफात करेंगे। सूरज सर पे होगा, प्यास से जुबानें लटकी हुई होंगी, मोहम्मद करीम के पास हौज़े कौसर पर जाएंगे पानी का सवाल करने के लिए। अगर उस वक्त अल्लाह के नबी ने हमारे चेहरों को देखकर कराहत कर ली, उस तरफ देखना पसंद न किया, और नबी ने सिर्फ एक सवाल कर लिया, बिस्तर पे लेटते हुए इस सवाल का जवाब खुद तैयार कर लेना,
नबी को क्या जवाब देंगे अगर नबी ने सिर्फ इतना पूछ लिया, मेरी सुन्नत से नफरत करने वाले मेरे चेहरे में क्या बुराई थी, तू मेरे चेहरे जैसा चेहरा नहीं बनाता था, यहूदियों ईसाइयों और मजूसियों जैसा बनाता था। अगर ये नबी पूछ ले कोई जवाब है हमारे पास, अल्लाह के लिए सोच ले। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम उन मजूसियों की तरफ नजर करने को पसंद नहीं करते, हालांकि वो सफीर है, सफीरों का अपना एक मकाम है। और नबी के अखलाक से बढ़ के प्यारा अखलाक और किसका है? आयशा से सवाल होता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी का अखलाक कैसा है? साहिल से कहती है क्या कुरान नहीं पढ़ता? पूरा कुरान मोहम्मद का अखलाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने बाअखलाक नबी, लेकिन उनके चेहरों को देखने पसंद नहीं आपको, जिनके चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी साफ है। फिर पूछते हैं और अल्फाज पे गौर कीजिए, नबी क्या फरमाते हैं? वैलकुमा, दो तर्जुमे हैं वैल के, एक तो तुम्हारे लिए बर्बादी हो आम तर्जुमा, और एक जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल। वैलकुमा, तुम्हारे लिए बर्बादी हो। मन अमरकुमा बिहादा, दाढ़ी शेव करने का हुक्म तुम्हें किसने दिया? बड़ी बड़ी मूछे रखने का हुक्म किसने दिया? उन फौजियों ने कहा हमारे रब किसरा ने हमें यह हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाकिन रब्बी कद अमरनी बिइफाई लिहयती, लेकिन सुनो किसरा का हवाला देने वालों, मेरे रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे हुक्म दिया है मैं अपनी दाढ़ी को माफ कर दूं, अपनी मूछों को पस्त कर लूं। मूछे काटने और दाढ़ी रखने का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। यह बहाना है शैतान की तरफ से तराशा हुआ, रख लोगे ठीक है, ना रखोगे तब भी ठीक है। हकीकत बात क्या है? ये अल्लाह का हुक्म कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। और इन दाढ़ियों को शेव करने की कबाहत क्या है? सबसे पहले दाढ़ी को मूंढने वाला अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान है, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कोई छोटा जुर्म है? आइए कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फइन्ना लहू नार जहन्नम, जो अल्लाह की मासीयत करे, नाफरमानी करे और उसके रसूल की नाफरमानी करे, उसके लिए जहन्नम की आग है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फकद ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो खुली हुई गुमराही में गिरा, वो खुली हुई गुमराही की राह पे चल रहा है। और दाढ़ी को मूंढना अल्लाह की तखलीक में तब्दीली करने का जुर्म, तब्दीली करने की जुर्रत का जुर्म है। और मालिक का ऐलान क्या है? ला तब्दील अली खल्किल्ला, अल्लाह की तखलीक में कोई तब्दीली नहीं। सोचिए अल्लाह के लिए सोचिए, यह अकल बहुत बड़ी नेमत है। ये दो आंखें किसने पैदा की? ये होंठ किसने पैदा किए? ये 32 दांत किसने पैदा किए? ये दो कान किसने पैदा किए? ये नाक के दो नथने किसने बनाए? ये भवें किसने बनाई? ये पलकें किसने बनाई? अल्लाह ने। क्या एक आंख से गुजारा नहीं होता? एक आंख से गुजारा हो रहा है ना, मुझे सब नजर आ रहे हैं। क्या एक कान से गुजारा नहीं होता? एक कान से भी गुजारा होता है, ठीक है। ये नाक के एक नथने को एलवी लगा के बंद कर लो तो क्या एक से सांस नहीं आता? आता है, गुजारा चलता है। कभी आपने किसी अकलमंद को देखा उसने अपनी आंख का एक डेला निकलवा दिया हो कि डॉक्टर साहब एवं दो चल रहे ने, एक ना काम तो हो जाता, तुझे दूसरे को काट दो? कभी देखा? कभी आपने देखा किसी अकलमंद ने कान काट लिया अपना कि एक से सुन रहा हूं ना, दो कानों की क्या जरूरत है, काफी है बस एक। 32 दांतों की क्या जरूरत है, 15-20 से भी काम चल देगा, बाकी जड़े निकलवा दे। कभी देखा? बोलो, नहीं देखते? हम कहते हैं हमारा जुबान नहीं, हमारा अमल क्या कहता है? अल्लाह ने ये कान बड़े अच्छे लगाए, हमारा अमल कहता है अल्लाह ने ये कान बड़े अच्छे लगाए, ये आंखें बड़ी अच्छी लगाई, ये नाक बड़ा खूबसूरत बनाया, ये होंठ बड़े प्यारे बनाए, ये दांत बड़े अच्छे लगाए, ये भवें बड़ी प्यारी बनाई। ठीक है, बंदा गंजा हो जाए ना तो हस्पताल जा जाके फिर प्लास्टिक के बाल लगवाता है, कभी विग लगाता है, कभी कुछ करता है कि मेरी अखीर तो टोपी ला लेंदा कि टिंड तो छुपी रहेगी, और कईयों की फिर नहीं छुपती, सिर्फ एक तरफ की लट को बढ़ाकर तेल लगा के टिंड पे जमा देते हैं, ठीक है ना, ओके सोके होते हैं ना अपना टिंड छुपाने के लिए। हमने कभी अपने इस अल्लाह की बनाई हुई तखलीक में को तब्दीली की?
आंखें खूबसूरत हैं, कान खूबसूरत हैं, लेकिन दाढ़ी पे आके जब हम शेव करके क्रीम लगा के शीशा दे कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तो हमारा अमल क्या कह रहा होता है कि अल्लाह ने कान तो ठीक लगाए, आंखें तो ठीक लगाई, दांत तो ठीक लगाए, नऊज़ु बिल्लाह, ये दाढ़ी लगाते हुए अल्लाह भूल गया? हमारा अमल ये कह रहा है या नहीं कह रहा कि यहां गलती हुई है अल्लाह से, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इसलिए हम इसको हर फंक्शन में जाने से पहले शेव करके और बड़े सेट बैट होके ठीक ठाक होके फिर जाते। क्या ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली नहीं? क्या अल्लाह से बढ़कर कोई और खालिक है? सुम्मा अहसना सुवरकुम, बेहतरीन सूरतें पैदा करने वाला तो अल्लाह, और वो अल्लाह है जिसने मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी लगाई। और औरतों के चेहरे पे दाढ़ी देखी कभी आपने? औरतों का चेहरा दाढ़ी के बगैर, और ये शेव कर करके क्या बताते हैं? दाढ़ी को पैगाम देते हैं कि भूल गई तू, आना उधर सीधे आ इधर की, मैं तो होर बिरादरी का, मैं उनमें नहीं हूं जिनके मुंह पे तू आती है, मैं दूसरी पार्टी का हूं। वो कहती मुझे पता है तू मर्द है, मैंने तेरे ही मुंह पे आना है। ये फिर शेव कर देता है वो फिर आ जाती है, ये फिर शेव कर देता है वो फिर आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत है उस मर्द पर जो औरत की मुशाबहत करता है। दाढ़ी के बगैर चेहरा किसका है? औरत का। अच्छा मिसाल दे के समझा दूं, इधर मियां साहब सोए हुए, इधर बेगम साहिबा सोई हुई, बीच में बेटा सोया हुआ, रात के 12 एक दो बजे का टाइम, अंधेरा, खूब लाइटें बंद, बच्चे को लगी प्यास, बच्चा उठ के माँ के मुंह पे हाथ फेरता है वो भी साफ, प्यो दे मुंह पे हाथ फेर देते वो भी साफ, पुत्र परेशान मेरी माँ गिरी मेरा प्यो गिरा, है या नहीं? अल्लाह के लिए सोचिए, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप औरत क्यों बनते हैं? दाढ़ी के बगैर चेहरा औरत का, मर्द का चेहरा उसकी दाढ़ी के साथ है, और हम शेव करके कहते हैं मैं और बेगम बैठे हो तो बिल्कुल बराबर एक पार्टी लगे। ये अल्लाह की तखलीक है, और ला तब्दील अली खल्किल्ला, अल्लाह की तखलीक में तब्दीली की फिक्र सबसे पहले ये सोच शैतान के दिमाग में आई थी। मेरी बातें गलत हो तो मुझे टोक देना, मौली साहब गलत कह रहे हो, और अगर ये अल्लाह और उसके रसूल के फरमान हो तो फिर इस दिल को समझा लो। शैतान ने कहा था लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा, मैं तेरे बंदों में से अपना हिस्सा जरूर लूंगा, वलाउज़िल्लन्नहुम, मैं इनको गुमराह करूंगा, वलाउमन्नियन्नहुम, वलाआमुरन्नहुम, मैं इनके सामने बड़े खुशनुमा बागात बनूंगा, मैं इनको हुक्म दूंगा, ये जानवरों के कान काटेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कुत्तों के कान कटे हुए होते हैं, भेड़ बकरियों के कान कटे हुए होते हैं, कान चीर देते हैं। ये हुक्म किसने दिया था? ये शैतान ने कहा था कि मैं इनको हुक्म दूंगा ये जानवरों के कान काटेंगे। मैं अपने पीछे चलने वालों को हुक्म दूंगा, ए अल्लाह तेरी बनाई हुई तखलीक को ये तब्दील कर डालेंगे। सोचिए अल्लाह के लिए सोचिए, एक तरफ शैतान कह रहा है मैं अपने पीछे चलने वालों को हुक्म दूंगा ये तेरी बनाई हुई तखलीक को बदलेंगे, और मालिक क्या कहता है? लकद खलकनल इंसान, बोलो फी अहसन तकवीम, मैंने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। शैतान कहता है मैं इससे सूरत को बदलवाऊंगा, अल्लाह कहता है इसकी सूरत मैंने बड़ी प्यारी बनाई है। अल्लाह के लिए अपने दिल में फैसला कीजिए, दाढ़ी शेव करके वोट में शैतान की संदूकड़ी में डाल रहा हूं या अल्लाह की पार्टी में शामिल हो रहा हूं। शैतान ने ये जुमले कहे थे कि मैं अपने नसीब लूंगा, अपना हिस्सा लूंगा, अपने पीछे चलाऊंगा, और जो मेरे पीछे आएंगे वो जानवरों के कान काटेंगे और तेरी पैदा करदा सूरतों को तब्दील कर डालेंगे। दाढ़ी को मुड़ना शैतान के पीछे चलना है, दाढ़ी को मुड़ना सीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहराफ है। कुरान बयान फरमाता है मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जो रसूल की अतात करता है हकीकत में वो अल्लाह की अतात करता है, व मन तवल्ला, और जो मुंह फेर ले अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों से मुंह फेर ले, फमा अरसलना के अलैहिम हफीजा, फिर हमने ए नबी आपको उनके ऊपर निगरान नहीं बनाया। आप अपना पैगाम पहुंचा दो, अपने रब की आयात पहुंचा दो, जिसने आपकी मानी वो हकीकत में अल्लाह की मान रहा है, और जो आपकी नाफरमानी करता है वो हकीकत में अल्लाह का नाफरमान है। आप उस पर निगरान नहीं है, फिर उसका हिसाब अल्लाह पर है।
और दाढ़ी न रखना काफिरों की मुशाबहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही जामे में ये रिवायत है और अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क्यामत के दिन उसी में सुठाया जाएगा। जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क्यामत के दिन उसी कौम में से उठाया जाएगा। दाढ़ी रखना अंबिया से मुशाबहत है, दाढ़ी रखना अंबिया के सहाबा से मुशाबहत है, और दाढ़ी को शेव करना यहूदियों ईसाइयों मुशरिकों और मजूसियों से मुशाबहत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है उसी कौम में से उठाया जाता है। इसी तरह दाढ़ी ना रखना औरतों की मुशाबहत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मुशाबहत करती है मर्दों के साथ, और उन मर्दों पर जो मुशाबहत करते हैं औरतों के साथ। और दाढ़ी मूंडना अपने जिस्म का मुसला करवाना है, मुसला का मतलब है शक्ल को बिगाड़ना। उमर बिन अब्दुल अजीज से इब्ने असाकर नकल करते हैं कि दाढ़ी को मुंडवाना मुसला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला करने से मना किया है। कुछ लोग दाढ़ी कटवाने के कुछ दलीलें देते हैं, आइए जरा एक दो दलील वो भी दे के अपनी बात खत्म करते हैं। दाढ़ी कटवाने के दलाइल तिर्मिज़ी में है, अन्न नबी कान याखुज़ु मिन लहयतिही मिन अर्ज़िहा व तूलिहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी के अर्ज और तूल से कुछ बाल ले लिया करते थे, काट लिया करते थे। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, उन्होंने कहा यह हदीस उमर बिन हारून ने बयान की और मैं इसकी कोई हदीस नहीं जानता, इसकी बयान करदा हदीसों की कोई असल नहीं, यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं उमर बिन हारून को एक जमात ने मुतलकन ज़ईफ कहा, जिस रावी ने यह रिवायत बयान की मुहद्दिसीन के नजदीक, तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक वो रावी ज़ईफ है। यहया बिन मुईन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं उमर बिन हारून कज़्ज़ाब और खबीस इंसान है, ये अपने पास से हदीसें घड़ लिया करता था। और इस हदीस के बारे में समाहतु शेख अल्लामा इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लम से साबित नहीं है बल्कि ये बातिल है, क्योंकि ये सही अहदीस के खिलाफ है और इसमें उमर बिन हारून अलबलखी है जो मतरूकुल हदीस है और कज़्ज़ाब है, इसलिए ये हदीस हुज्जत नहीं बनती। दूसरी दलील दाढ़ी कटवाने की, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया तुम में से कोई भी दाढ़ी की लंबाई से ना काटे लेकिन दोनों कनपटियों से साइडों से कोई बाल लेना चाहे तो ले ले। तारीख बगदादी के अंदर यह रिवायत मौजूद है, यह हदीस भी ज़ईफ है। इसमें रावी अता बिन अबी रबाह से बयान रिवायत करता है और वो ज़ईफ है। इब्ने हजर फरमाते हैं कि यह ज़ईफ है, इसको अहमद बिन अल वलीद ने नकल किया जो हदीस से घड़ा करता था, और यह रिवायत सही हदीसों के खिलाफ है लिहाजा यह ज़ईफ रिवायत है, इससे इस्तदलाल करना जायज नहीं है। इन दो हदीसों के अलावा मुनकरीन दाढ़ी को माफ करने के मुनकर काटने के कायल, उनके पास और कोई रिवायत नहीं है। अब वो बात सहाबा के आमाल से दलील पकड़ते हैं। पहली दलील किया कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा जब हज या उमरा करते तो अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते और जो एक मुठ से ज्यादा होती उसको अब्दुल्ला इब्ने उमर काट लिया करते। अब्दुल्ला इब्ने उमर जब हज या उमरे में सर के बाल मुंडवाते तो दाढ़ी और मूंछ से भी कुछ बालों को ले लेते। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम दाढ़ी के तवील बालों को माफ करते थे लेकिन हज और उमरे में थोड़ी सी इसको काट लेते थे। अब ये एक दो दलाइल सामने रखिए, और फिर पहली बात ये दाढ़ी कहां जाकर काटते थे अगर इसको मान भी लिया जाए, कब काटते थे जी? हज और उमरे पे। और हम कब काटते हैं? हर छुट्टी वाले दिन। क्या ये हमारे लिए दलील बनती है? जिसने कटवानी है पहले 6-7 हजार रियाल लगा के जाए ना हज करने और फिर वहां काटे, नंबर एक। नंबर दो कि ये सहाबी का फेल है, ये टकरा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। और जब किसी का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से टकरा जाए तो हमारे लिए दलील किसकी बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
कायदा है कि एतबार सहाबी के उस कौल का होगा जो उसने नबी से नकल किया हो, ना कि उसके एतबार होगा जो उसकी अपने राय हो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो, तो हमारे लिए हुज्जत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बयान करदा वो हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। हमारे लिए हुज्जत अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम है। और दूसरा असूल यह है कि सहाबी का कौल उस वक्त तक हुज्जत नहीं होता जब तक बाकी तमाम सहाबा का उस पर इजमा ना हो जाए। तो इब्ने उमर के इस फेल पर किसी सहाबी का इजमा, बाकी तमाम सहाबा का इजमा साबित नहीं। इसीलिए इमाम नौवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुख्तार और पसंदीदा कौल यह है कि दाढ़ी को इसके हाल पे छोड़ा जाए और किसी किस्म का तआरुज़ दाढ़ी से ना किया जाए, इसमें से कुछ ना काटा जाए। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं रहा उन लोगों का कौल जो कहते हैं कि एक मुठ से जायद को काट लिया जाए, और इब्ने उमर के आसार से वो इस्तदलाल करते हैं तो ये इस्तदलाल ज़ईफ़ है क्योंकि मरफू और सही अहादीस दाढ़ी को माफ करने पर दलालत करती है और इन मौकूफ आसार की नफी करती है, पर बस इन आसार को मरफू और सही अहादीस के होते हुए तस्लीम नहीं किया जा सकता। और याद कर लीजिए ये दाढ़ी निशानी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। एक मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। आप हम सारे अपने अपने मुल्कों से आए हुए, किसी का निकाह हो जाए, मंगनी हो जाए, शादी हो जाए तो बेगम उसके हाथ में अंगूठी पहना देती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मौलवी साहब के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों यहीं पर हैं इसलिए नहीं है। वो हाथ में अंगूठी पहनाती और कहती क्या है कि ये मेरी निशानी है, ये ले जाओ, आप इसको देखोगे तो मैं आपको याद आया करूंगी, ये हमारी निशानी है, ये प्यार की निशानी, ये मोहब्बत की निशानी, ये फला 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 है, ऐसा या नहीं है? है ना। अच्छा, वो मौली साहब निकाह करके शादी करके बेगम के हाथ की पहनी हुई अंगूठी लेके आ गए, जब जी करता है उसको देखकर वो मौका याद कर लेता है कब पहनाई थी, कैसे पहनाई थी, क्या कुछ हुआ था। अब कोई उसे आकर कहे कि भाई 100 रियाल ले ले और ये अंगूठी मुझे दे दे, अल्लाह के लिए आखिरी सवाल करके बात खत्म, अपने दिलों से पूछना, उससे कोई आकर कहे 100 रियाल ले ले और ये बेगम की निशानी मुझे दे दे, क्या ख्याल है प्यार करने वाला दे देगा? हाँ जी, दे देगा। वो कहे 200 रियाल ले ले, 300 रियाल ले ले, सच्ची मोहब्बत होगी तो देगा। वो कहेगा ये उंगली कट सकती है, महबूब के हाथ की पहनाई हुई अंगूठी यहां से उतर नहीं सकती, प्यार की कीमत ही नहीं है, ये उसकी निशानी है, मैं कैसे बेच दूं? अरे बीवी की निशानी पर इतनी मोहब्बत का इजहार करने वालों, क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की निशानी नहीं है? क्या ये प्यारे हबीब की निशानी और प्यारे रसूल की सुन्नत नहीं है? ये बीवी तो नाराज होकर आपसे तलाक भी ले सकती है, खुला भी ले सकती है, ये हमेशा रहने वाली बावफा चीज नहीं है? और मोहम्मद करीम कितने बावफा हैं। आयशा फरमाती है मैंने हाथ मारा बिस्तर पे, बिस्तर खाली था, मैं बाहर निकली, क्या देखती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान बकी में खड़े हैं, हाथ उठे हुए, हाथों से आंसू जारी है और अपनी उम्मत के गुनाहों की माफी का अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। उम्मत सो रही है, रसूल रो रहा है। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया दुआ का के मांग तुझे अता किया जाएगा, बाकी अंबिया को भी इख्तियार दिया, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ मांग ली, मैंने अपनी दुआ रोक ली कि अल्लाह जब हशर का मैदान होगा सारी दुनिया परेशान होगी, उम्मत रसूल परेशान होगी, उस वक्त ये दुआ तेरे सामने रखकर सवाल करूंगा अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। ईमान क्या है? सारी दुनिया से टक्कर ले लीजिए, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, सारी दुनिया को नाराज कर लीजिए, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई। अल्लाह के नबी का जब हुक्म आ जाए, एक मां कहती है बेटे को बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे, उसकी शरीयत और उसके दीन को छोड़ दे, वगरना मैं ये रेत में लेटी हुई हूँ, एड़िये रगड़ रही हूँ, छाव में नहीं बैठूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, एड़िये रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी, या मोहम्मद करीम को छोड़ दे, ये अपनी माँ को मरवा ले, और अगर मैं ऐसे ही मर गई लोग तुझे कहा करेंगे ये माँ का कातिल जा रहा है। हम जैसा होता तो क्या करता? और वो थे, उसने कहा माँ तू एक माँ है, काश मैंने एक के वतन से जन्म न लिया होता, कई माओं के पेट से पैदा हुआ होता, मैं हर माँ को एड़िये रगड़ रगड़ के मरने देता, मोहम्मद से बेवफाई फिर भी ना करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान है, ये प्यार है,
حکم رسول آ جائے, کائنات میں جو مردی ناراض ہو جائے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے, محمد کریم کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی لیے ایک صحابی کو جب سولی پہ ٹانگا ہوا تھا, ظالم اس کو برچھیے مار رہے تھے, اسے کہا تجھے چھوڑ دیتے ہیں تو صرف زبان سے یہ کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ پہ رسول کو سولی پہ ٹانگا ہوتا اور میں اپنے بچوں میں آرام سے سو رہا ہوتا. تو صرف اتنا کہہ دے تیری جان بخشی جائے گی. تڑپ اٹھے, کہا ظالمو تم کہتے ہو میں رسول کے بارے میں یہ کہہ دوں, علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں اور محمد کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے. اللہ کے نبی خیمے میں آرام کر رہے, باہر اسلحے کی آواز آتی ہے, جنگ کا موقع ہے. نبی اٹھ کر باہر آتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک صحابی کو پہرہ دے رہے, پوچھتے ہیں تجھے پہرہ دینے کا حکم کس نے دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن کے علاقے میں ہیں, میرے دل میں خیال آیا کہ محمد اپنے خیمے میں آرام کر رہے, کہیں کوئی کافر موقع پا کر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچائے. یہ حکم اللہ کے نبی کسی نے نہیں دیا, میرے ایمان نے دیا. یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ کے کانوں تک ٹکرا گی. اب سوچ لیں, فیصلہ کر لیں, کون ہے جو اپنے چہرے کو محمدی بنانا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے جدا کفار جیسا چہرہ بنا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے وہ کون سے بھائی ہیں جو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے بلکہ آج سے ہم اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا چہرہ بنائیں گے. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ, آپ کی تو ہے, آپ کیوں کھڑے, آپ بیٹھ جائیں, جن کی نہیں ہے وہ کھڑے رہیں. ہاں جی, اور کون کون ساتھی ہیں جو آج وعدہ کریں کہ یہ چہرہ محمدی چہرہ بنے گا, اس چہرے پر مجوسیوں کی علامات نہیں آئیں گی؟ اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ داڑھی اگر رکھ لینا, مولوی صاحب داڑھی رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن میرا تو یہ بیاہ ہی نہیں ہوا, میری شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جائے گی نا پھر رکھ لوں گا, جب بوڑھا ہونے لگوں گا نا مرنے سے پہلے پہلے پھر رکھ لوں گا. ہمارے میں سے کسی کے پاس تشریف رکھیں, ہمارے میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم نے بوڑھے ہو کر مرنا, کیا ہم لکھوا کر لائے ہیں کہ ہم 60 سال کے بعد ہی مریں گے, پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ داڑھی رکھ لو گے تو شادی نہیں ہوگی. یہ کس کا دھوکہ ہے؟ شیطان کا, ٹھیک ہے. اور اگر داڑھی رکھ لو گے, آپ ایک کو ترستے ہو دو دو ہو جائیں گی, آپ ایک کو ترستے ہو کتنی ہو جائیں گی؟ میری داڑھی بھی دیکھ لو, الحمدللہ میری دو بیوی ہیں, تیسری کی تلاش میں ہوں. تو یہ شیطان بہکاوا دیتا ہے داڑھی. میں نے کبھی کسی داڑھی مونے دو بیویوں والا میں نے نہیں دیکھا, جتنا بھی دیکھا کہ اس مولوی صاحب کی دو ہیں, اس مولوی صاحب کی چار ہیں, اس مولوی صاحب کی تین ہیں, بغیر مولوی دو تین والا مجھے تو نظر نہیں آیا. اس لیے آج اللہ سے عہد کرو کہ اللہ ہمیں اپنا چہرہ محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنا عمل محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو, ہماری موت آئے تو اسی حال میں, ہماری زندگی ہو تو اسی حال میں.